हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अंजलि आज आपके लिए राखी लुक बुक लेके आई हूँ कि हम राखी में कैसे रेडी होंगे, कैसे झटपट कम मेकअप से कैसे रेडी होंगे, सिर्फ हल्का सा मेकअप करके हम कैसे अच्छे से अच्छा लुक क्रिएट कर सकते हैं राखी पे, क्योंकि राखी इस बार लॉकडाउन में मनने वाला है और पता नहीं कौन किससे मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तो उसी के लिए मैं एक छोटा सा लुक बुक लेके आई हूँ आपके लिए कि हम राखी पे कैसे रेडी हों। मैं जो अभी रेडी होंगी, जैसे कि अभी मेरा बहुत गेटअप बाकी है थोड़ा सा, तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बातें नहीं करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर प्लीज़ मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरे नेक्स्ट बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि अब ये सिंपल सा मैंने ऐसे बाल बना लिया है, हेयर स्टाइल है सिंपल सा, तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा मिक्स एंड मैच करते हैं और उसके बाद बताते हैं। तो मेरा फर्स्ट लुक ये वाला है। मैंने हल्का सा आँखों पे आई शेडो लगाया हुआ है गोल्डन कलर का, हल्का सा गोल्डन और हल्का सा ब्लैक में। मेकअप ने ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, ज़्यादा मेकअप से थोड़ा सा उलझन होता है, तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है। लेकिन मल्टी कलर का इयररिंग मैंने इसलिए डाला है क्योंकि ये जो मेरा कुर्ती है वो प्लेन है, प्लेन कुर्ती है मेरा, वो मैं अभी खड़े होकर आपको दिखा दूँगी। प्लेन कुर्ती है मेरा, थोड़ा सा वाइब्रेंट लाने के लिए, थोड़ा सा इसको इन्हेंस करने के लिए कुर्ती को मैंने ये मल्टी कलर का इयररिंग और मल्टी कलर का ये नेक पीस पहना हुआ है, जिससे कि थोड़ा सा अलग सा लुक आए, अलग सा क्रिएशन हो सके। तो इसी वजह से मैंने ये मल्टी कलर का लिया हुआ। ये फिंगर रिंग आप मेरा और भी वीडियो में देखे होंगे। अभी लॉकडाउन की वजह से कहीं बाहर निकलना नहीं हो पा रहा है, या हमारे यहाँ पे भी कुछ पेशेंट हैं तो इसी वजह से नहीं हो पा रहा है। आपको दिखाना था तो इसीलिए मैंने ये वाला रिंग पहन लिया है। मैंने ये छोटा इयर रिंग डाला हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ हैवी वेट है या फिर चुभने उबने वाला जैसा कुछ नहीं है, आराम से आप इसको। मैंने ये वाला यहाँ पे एक ऐसे झुमका लगा हुआ है इस टाइप का, मैंने ये वाला लुक क्रिएट किया है। और आप अगर जैसे कि कुंवारी लड़कियाँ हैं जो इनका शादी नहीं हुआ, आजकल तो सारे लोग ही कुर्ती पहनते हैं, तो ये कुर्ती ड्रेस है इससे मैच का। ये मैंने थ्रेड बैंगल आपको दिखाया होगा, अपने एक वीडियो में दिखाया है, तो ये मैंने खुद से बनाया है इसी ड्रेस के मैचिंग का और साड़ी के मैचिंग का। तो आप इस तरीके से पहन सकते हो। एक लुक मैंने ये वाला क्रिएट किया है। आपने देखा मैंने एक ये कुर्ती के साथ ये छोटा सा स्टेटमेंट्स इयररिंग्स और ये डाला हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सिंपल प्लेन कुर्ती को एक अलग सा लुक दे रहा है ये मल्टी कलर का इयररिंग और मल्टी कलर का ये नेक पीस, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये गोल्डन जंग ज्वेलरी है जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया हुआ है कि ये मैंने जमशेदपुर से लिया हुआ था। ये सारे रिंग भी आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्टाइल आप कर सकते हो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसी सेम कुर्ती के साथ ही आप सेकंड लुक भी ट्राई कर सकते हो। जैसे आपके पास कोई एक कुर्ती हो जिससे कि आप अलग अलग तरह से ट्राई करोगे तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसी कुर्ती को अलग कैसे लुक देती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। अपने बालों में ऐसे क्लचर लगा लेना है पीछे की तरफ और हल्का हल्का सा इसको पफ कर देना है फुला के, थोड़ा सा चिपचिपा ना लगे ये। और आगे थोड़े से बालों को लेकर के इस तरीके से आप, मैंने इयररिंग सेम डाला हुआ है और मैंने कंगन उतार दिए हैं। कंगन मैं ये वाला डाल ले रही हूँ, ये बैंगल में पर्ल लगा हुआ है, पर्ल का वर्क है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। और
जो कुर्ती में वर्क है उससे बटन्स लगे हुए हैं उससे ये मैच कर रहा आराम से। तो ये मैंने पहन लिया है और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लेन है ये कुर्ती, तो उसके साथ मैं ये ईयरिंग DIY करने वाली हूँ। इसको कुछ नहीं, बस सिंपल से यहाँ पे ऐसे खोस करके ऐसे इसे स्ट्रट करके ऐसे, ये देखिए बटन के नीचे आ गया है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, बहुत प्यारा लगेगा। इस तरीके से आप कर सकते हो कि हाँ, अगर आपको पहनने का मन नहीं है, आप नहीं पहनना चाहते हो, तो कोई बात नहीं, आप प्लेन कुर्ती के साथ कुछ अपने ज्वेलरीज हैं जो ईयरिंग ऐसे हुक वाले होते हैं जो डालने वाले, उसको आप प्लेन कुर्ती में लेके लगा दो और वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप हैवी ईयरिंग पहनते हैं जैसे मैंने पहना हुआ है, तो हैवी ईयरिंग के साथ तो कोई ज़रूरत ही नहीं रहती है कि आप वो हैवी ईयरिंग के साथ कोई ज़रूरत नहीं रहता है कि आप नेक पीस पहने ही, क्योंकि ईयरिंग ही बहुत ही अच्छा वर्क करता है, ज़रूरत नहीं रहता है नेक पीस का। तो आप नहीं पहनोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इस तरीके से ये ऐसे ट्राई कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मेरा सेकंड लुक हो गया है, और मैं इसके बाद जो थर्ड लुक है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं उसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने वाली हूँ, बस आपको दिखा देती हूँ कि जैसे कि अगर ये कुर्ती है तो इस तरीके से बालों को अपने आगे कर ले थोड़े से बालों। अब मैं इसी सेम कुर्ती के साथ, जैसे कि अगर आपने नेक पीस नहीं पहना हुआ है तो आप दोनों तरफ के बालों को लेकर के इस तरीके से हल्का कर्ल टाइप का कर लीजिएगा आप, जैसे मैंने किया हुआ है ये मेरा कर्ल। मेरा तो बाल कर्ली है थोड़ा सा, तो इसी वजह से अपने आप हो गया है। इस तरीके से आप अपने बालों को थोड़ा सा कर्ल करके और आगे की ओर रखोगे तो भी ये भी एक तरह का लुक हो गया। आप चाहो तो सेम बैंगल्स के साथ अगर ट्राई करना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि मैंने अभी के अभी ये वाला खोल कर ये वाला पहन लिया। तो इसमें क्या हो गया कि ये ईयरिंग और बैंगल और कुर्ती सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आप इस तरीके से भी अपने एक कुर्ती को, क्योंकि लॉकडाउन है, इतने टाइम आदमी बैठे हुए थे, किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह हो सकता है क्योंकि इतना टाइम लॉकडाउन में बीत गया है लोगों का, तो आप इस तरीके से जो घर पे सामान है, जो आपके पास घर पे ड्रेस है, घर पे ईयरिंग्स वगैरह जो आप, हम लड़कियां तो हमेशा लेती ही रहती हैं, क्रिएट कर सकते हो मिक्स एंड मैच करके, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और लोगों को भी, बड़े लोगों को, जैसे मम्मी पापा को भी बहुत खुशी होगी कि हाँ, इसने इस बार लेने के लिए नहीं बोला। तो आप इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप ट्राई करके देखना। और ये इसके साथ भी मैंने आपको दिखा दिया है और इसके साथ भी दिखा दिया है, तो आपको जो दोनों में से अच्छा लगे आप ट्राई कर सकते हो। जिस तरीके से आपके पास भी तो बहुत सारे बैंगल्स, बहुत सारी ईयरिंग्स वगैरह होंगी ही, तो आप उस तरीके से ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा। तो अब मैं इसी सेम कुर्ती के साथ आपको एक थर्ड लुक दिखाने वाली हूँ, जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो मैं आपको वो दिखाती हूँ कैसे मैंने उसको स्टाइल किया है। दुपट्टा है बनारसी का, जो कि इस कुर्ती के साथ मैंने नहीं लिया था, अलग से लिया हुआ था, बट इससे मैच करता है ये बहुत अच्छे से। तो एक ये हो गया, आप इस तरीके से ये दुपट्टा आप दो तरीके से ले सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। एक तो फर्स्ट स्टाइल ये हो गया कि ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड लग रहा है, इसका जो पोल्का डॉट्स है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और मुझे पोल्का डॉट्स बहुत अच्छे लगते हैं, मैं उसका सूट वगैरह बहुत मुझे पसंद है। तो एक लुक ये हो गया, आप एक तरफ के बालों को आगे रख करके, बैंगल आपके ऊपर है, आप कौन सा डिसाइड करके कैसा बैंगल अपने ड्रेस के साथ चूज़ करते हैं तो वो हो जाएगा। और ये देखिए ये कितना स्टैंडर्ड, सिर्फ एक प्लेन कुर्ती के साथ आप इस तरीके का बनारसी दुपट्टा, आप सभी के पास, अभी बनारसी ट्रेंड्स में है तो आप सभी लोगों के पास होगा, तो आप इस तरीके से भी पहन सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टैंडर्ड लग रहा है। आपको अपने बालों के साथ अगर कुछ करना है तो आप बाल का हेयर स्टाइल कुछ और भी रख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे इस तरह अच्छा लग रहा है तो मैंने इस तरीके से किया हुआ है। तो ये देखिए सेकेंड थर्ड लुक मेरा इस तरीके से हो गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए पास से मैंने आपको दिखा दिया, इसमें गोल्डन जरी से पोल्का डॉट्स बने हुए हैं, फ्लावर टाइप से है ये इसका प्रिंट, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इस तरीके से डबल साइडेड बनारसी दुपट्टा है, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हो। उस तरफ आप देख, आपने देखा कि उस तरफ में कुछ फ्लावर ऐसे बड़े बड़े फ्लावर्स से बने हुए हैं इसमें, तो ये इस तरीके से हो गया है। आप इसी दुपट्टे को सेम तरीके से चेंज करके ले सकते हो अगर आपके पास है तो,
बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर इस तरीके से आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, बर्मर बना हुआ है लेकिन दुपट्टे के दूसरे साइड में, ये देखिए जैसे बनारसी साड़ी पे, बनारसी दुपट्टे पे वर्क रहता है, कुछ जालीदार फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें, जाल जैसा है ये। तो ये भी अगर आप इस तरीके से ऐसे लोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से इससे ऐसे कर सकते हो, बहुत ज़्यादा स्टनिंग लगेगा, मैं बता रही हूँ। कोरोना की वजह से आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ आपके पास है आप उसी से बहुत सुंदर और बहुत स्टाइलिश लग सकते हो, तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। ये भी दुपट्टा इस तरफ से भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि कुर्ती पूरा प्लेन है, तो ये एक इसको अलग सा लुक दे रहा है, अलग सा वाइब्रेंट दे रहा है, वो ऐसे नहीं पसंद आ रहा है। तो आप इस तरीके से दोनों तरफ जैसे ऐसे फोल्ड करके जो भी साइड आपको अच्छा लगेगा, अगर ये साइड अच्छा लगेगा तो ये ऊपर करके आप पिनअप कर सकते हो, अगर ये अच्छा लगेगा तो ये इस तरफ करके आप पिनअप कर सकते हो। और ये बिलीव मी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप खुद ही देख रहे हैं कि एक अलग सा लुक आ रहा है प्लेन कुर्ती के साथ। ये दुपट्टा है भी बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लग रहा है। मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसा लग रहा है। आप चाहो तो दुपट्टे को इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐसे ये भी बहुत अच्छा लगने वाला है, इस तरीके से करके स्टाइलिश लगेगा। आपको जैसे अच्छा लगेगा आप वैसे कर सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं है कि हाँ मेरे ही बताए हुए, अगर आपको कुछ अच्छा सा आता है, अलग सा आता है तो आप वो भी कर सकते हो। मैंने ये वाला मैंने इस एक कुर्ती से आपको इतनी सारी लुक बता दी है, आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। और एक मेरे पास ऑप्शन है आपको दिखाने के लिए कि आप कुर्ती और प्लाजो को कैसे इंडो वेस्टर्न लुक देते हो, मैं वो आपके साथ, आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये आप फ्री में बहुत रहोगे कि आपको हाथ पे ऐसे दुपट्टा रखना है या फिर कुछ करना है, आप इस तरीके से आराम से रेडी हो सकते हो। ज्वेलरीज आपको जो समझ में आप पहन सकते हो। वीडियो को देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप बताइएगा इन सारे लुक में से आपको कौन सा लुक अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और अगर जो शादीशुदा लड़कियां हैं असल में जो लोग मायके जाती हैं उन लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके भाई ससुराल आके राखी बनवाते हैं अपने सिर पे ऐसे, उनको कुछ नहीं करना है, उनको बस ये दुपट्टे को उठा करके साइड से आप इसको सिर पे रख सकते हो बहुत आराम से, इस तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप इस तरीके से लगा सकती हैं और सिर्फ सर पे पल्लू रख लेना इस तरीके से, और कहीं आपको ना हैवी नहीं लगेगा कि हाँ बार बार गिर जा रहा है, बार बार सरक रहा है, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये मैंने आपको बता दिया है, आपको पांच स्टाइलिंग के तरीके आपको बता दिए कि आप एक कुर्ती और एक दुपट्टे से आप कितनी अलग अलग तरीके से लुक क्रिएट कर सकते हो और कैसे लग सकते हो। तो ये भी मेरा फेवरेट है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ तो मुझे भी सिर पे ऐसे रेडी होके रखना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कौन सा लुक आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। आप लोगों का कमेंट और लाइक हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा क्रिएटिविटी करने का मन करता है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक करके ही जाइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए नहीं जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।